साथी हूँ मैं राम केवल सर, आप लोगों को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर 5.2 का 4 क्वेश्चन इसके पहले हल कर चुके हैं, जिसे आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक हल करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो क्या करना है, श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ये जितने भी सवाल हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमें फार्मूला लगाना है an = a + n - 1 × d। ठीक, इसमें से हम n-वां पद ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं किसी एपी की जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो लिस्ट है, फिर डी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ए एन क्या है, ये क्या है, एन क्या है, डी क्या है, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है ये सूची दी हुई है, तो इसमें हमें प्रथम पद ये पता है, ये कितना है हमारे पास 7। डी कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों को बताया गया 2 क्रमागत सूची में 2 संख्याओं को पकड़ो और बाद वाले में से पहले को घटा देंगे। बाद वाले में से क्या करेंगे हम लोग, पहले को घटा देंगे। तो बाद इसमें कोई भी 2 ले लो, अब 13 में से 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 13 - 7 तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6 बचेगा ना, तो हमारी डी हो गई 6। अब उसके बाद में ए एम दिया है, अंतिम पद, ए एम का मतलब कितने पद हैं, तो ये अंतिम, एम क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंतिम पद, अंतिम पद ए एन इक्वल टू हम लोग पुटअप करेंगे 205। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, एन का मान फाइंड आउट करना है, निकल आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा एन का मान, ए एन के जगह पे 205 रखेंगे, इक्वल टू ए का मान क्या है, 7 है, प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद में डी के जगह पे 6 रख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। आप क्या करेंगे, 7 इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 205 - 7, उसके बाद में क्या बचेगा, एन माइनस 1 × 6। आप 205 में 7 घटाएंगे तो 5 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, 200 में 198 बचेगा। अब ये 6 इधर गुणा है तो इधर भाग करो, n माइनस 1, अब 6 से काटेंगे तो 6 × 3 = 18, फिर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, 18 × 6 = 18, ये कट जाएगा तो 33 आएगा। n माइनस 1 क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 33 + 1, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा, 33 और 1 = 34। तो पहले वाले में कितने पद होंगे, पहले वाले में 34 टर्म्स होंगे। फिर आइए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरे वाले में दिया है प्रथम पद ये दिया है, इसका दूसरा वाला, ये पहला वाला है, ए बराबर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना दिया है 18, और डी कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 15 सही 1/2 में से माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे, 18। ये सूची घट रही है तो डी क्या आएगा, माइनस आएगा, सेवर है, तो डी इक्वल टू 15 × 30 और 1 = 31/2 होगा। इसके नीचे कोई हर नहीं है, कोई हर नहीं है तो इसके हर से डायरेक्टली गुणा होगा, तो डी इक्वल टू 31 × 18 = 36 36/2, तो डी बराबर क्या मिलेगा, 36 में से कितना घटेगा, 31 माइनस करेंगे तो -5/2। अब हमारे पास डी भी मिल गया और ए एन भी है, अंतिम पद है, अंतिम पद कितना दिया है, -47। मेरे प्यारे साथियों, इसी फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे इसका, तो ये ए एन के जगह पे -47, ए के जगह पे 18 हो जाएगा, प्लस एन, इसका भी याद करना है हमको, एन का मान है नहीं, एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी का मान कितना आया, -5/2। ठीक, चेक कर लें फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 18 इधर लाएंगे तो 47 - 18, ये एन माइनस 1 × -5/2। अब क्या करेंगे, 18 और 47 जोड़ेंगे तो 47 और 3 कितना होगा, 50, दोनों माइनस है, सेम राशि जुड़ जाएगी समान चिन्ह वाली, ये -65 होगा, 5/2 है, 2 से इधर गुणा होगा, भाग है और ये गुणा है तो इधर भाग होगा -5, माइनस से माइनस जाएगा, एन माइनस 1 बचेगा। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, ये 13 × 65 कट जाएगा, 13 आएगा, 13 × 26 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन बराबर क्या होगा, 1 इधर माइनस है, इधर लाएंगे प्लस, 26 + 1,
तो यन इक्वल टू क्या निकल के आया 27। मेरे प्यारे साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, मतलब पूछ रहा है। एक चीज और, कभी भी कोई भी संख्या दी गई है अगर वो एपी की है, एपी में वो पद, तो एन का मान अगर एक पूर्णांक आएगा तो है, और एन का मान पूर्णांक नहीं आएगा मतलब पूरा अंक नहीं आएगा, भिन्न आ जाएगा, तो फिर वो सूची में लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे दोस्तों, एपी आपका दिया है तो ए बराबर इसमें 11 हो जाएगा, उसके बाद में डी निकालेंगे तो डी बराबर बाद वाले में से पहले घटा लो, 8 - 11 दो कोई पकड़ लो, 5 में से 8 घटा लो, 2 में से 5 घटा लो, सेम चीज आएगा। अब ये क्या आएगा, -3 आएगा, डी इक्वल टू -3 हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डी आ गया, ये आ गया, एक पद -150 है, मतलब आपका ए एन बराबर 150 है माइनस, तो इसमें एन ज्ञात करना है, एन फाइंड आउट कीजिए, अगर पूर्णांक आ जाए तो है, नहीं आए तो नहीं है। तो फार्मूला हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, ए एन के जगह पे -150, 11 उसके बाद में एन माइनस वन, डी का मान -3, 11 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, चलिए देखते हैं ये क्या बन जाएगा हमारा, एन माइनस वन इंटू -3 ये 161 हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो मेरे साथियों इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3, इधर भाग होगा तो -161/3, एन माइनस वन भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 15 भाग नहीं होगा ना, भाग नहीं होगा तो एन बराबर -161, फिर ये प्लस हो जाएगा एक, तो कितना बचेगा, एन बराबर 3 × 3 -161/3 हो जाएगा, तो एन बराबर 161 में 3 घटाएंगे -158, कितना बचेगा -158/3, ये नहीं कटेगा ना, तो क्या है सूची में शामिल नहीं है, -150 एपी में नहीं है, एपी की सूची में नहीं है, क्यों, क्योंकि एन का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, सूची में नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलो 6 नंबर हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, मतलब 11वां पद जो है वो कितना दिखा रहा है 38, तो 11 पद ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्तों मैंने बताया है a प्लस 1d कम कर देंगे तो 10d इक्वल टू 38 हो गया, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है हमारे पास 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, मतलब a 16 कितना है 73 है, तो अब ध्यान दीजिए आप लोग ये 16 ज्ञात करने के लिए ये प्लस कितना d रहेगा, जितना 10 है तो उसे कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 73, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, घटाने पर हम लोग घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये से ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये -5d बचेगा इक्वल टू 73 में से 38 घटा लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 और ये 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस आएगा माइनस माइनस क्रॉस होगा, डी बराबर 35/ क्या हो जाएगा 5, 5 × 7 कितना हो जाएगा 35, तो डी बराबर 7 आ गया। ठीक, अब कौन सा पद पूछ रहा है, अब ए का मान ज्ञात कर लेंगे इसमें रख के, ठीक इसमें रख लेंगे तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो ये प्लस 10 और डी का मान 7 इक्वल टू 38, तो ये 10 अते 70 हो जाएगा और ये 38 आएगा, तो ये बराबर 38 माइनस 70, 70 में से 38 घटाएंगे तो ये बराबर माइनस 32। प्रथम पद कितना हो गया 32 और डी बराबर कितना हो गया 7। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो ए 31 बराबर क्या होगा, चलिए थोड़ा सा मिटालते हैं, ये 31 बराबर हो जाएगा ए प्लस 30 डी। ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान 32 प्लस 30 गुणे डी का मान 7, तो 7 × 31 210। अब 210 में से 32 घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ आपका क्या बच रहा है 10 में से 3 जाएगा 7 और ये 278, तो ये बचेगा 278, मतलब 31वां पद जो है वो 278 होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, मतलब ये 3 जो है वो 12 है और एपी में एन बराबर कितने हैं 50 हैं, और क्या दिया है अंतिम पद ए एन बराबर दिया है 106, तो इसका 29वां पद पूछ रहा है क्या होगा 29वां पद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो ए प्लस ये ए 3 दिया है ना, तो ये प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D बराबर 12 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या बनेगा आपका समीकरण, अगला देखेंगे तो ए एन बराबर होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो यहाँ क्या है ए एन का मान 106 है और ये कौन सा पद है 50 पद हैं, तो ये प्लस ये 50 रखेंगे यहाँ, तो 50 माइनस 1 ये डी हो जाएगा, तो ये 106 हो जाएगा, ए प्लस 49D हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा ए प्लस 49D। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 49D इक्वल टू 106, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर जब हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़े ध्यान से देखिए, चेक कर लीजिए, लिख लेंगे ए प्लस 2D इक्वल टू 12 समीकरण फर्स्ट और ए प्लस 49D इक्वल टू 106 ये समीकरण 2 है, माइनस 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 ये कट जाएगा, 49D में से 2D घटेगा माइनस 47D और 106 में से 12 घटा दो तो ये कितना बनेगा 94 बचेगा, कितना 94 लेकिन माइनस 94। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी बराबर क्या आएगा, आप चेक कर सकते हैं 47 इधर उड़ा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो 94 / 47 हो जाएगा, 47 × 94 डी बराबर 2। अब डी का मान उठा के यहाँ रख दो, डी का मान सभी का फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख दिया जाएगा, जब फर्स्ट में रखेंगे तो ध्यान दीजिए ए का मान याद करने के लिए रखेंगे, तो ए प्लस डी का मान कितना है 2, तो 2 × 4 हो जाएगा बराबर 12, तो ये बराबर क्या होगा 12 − 4, तो ये बराबर 8 हो जाएगा। अब कौन सा पद याद करना है इसका 29वां, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हमारे पास ए का मान 8 और डी का मान 2 है, ए का मान 8 और डी का मान 2, ए का मान 8 आया, ए बराबर 8 और डी का मान 2, तो अब हम लोग क्या करेंगे ए 29 बराबर क्या होगा, पता है ये प्लस 28D, ये प्लस क्या हो जाएगा 28D हो जाएगा, ए का मान कितना आया 8 प्लस 28 गुणे डी का मान 2, 28 × 56, तो 56 और 8 56 × 4 = 60 तो ए 29 इक्वल टू 64। स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों,
नौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए नौ नंबर पे पहुंचते हैं। नौ नंबर है एपी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः चार और आठ हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य है? तीसरे पद कौन है? तीसरा पद जो है हमारा एपी का वो चार है, और नौवां पद जो है वो हमारा माइनस आठ है। मतलब अगर लिखा जाए दोस्तों तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ए थ्री मतलब ए टू डी बराबर फोर, ये समीकरण फर्स्ट, और ए प्लस एट डी क्योंकि नौ है ना तो एक डी कम कर देंगे इक्वल टू माइनस एट, ये समीकरण दो हो गया। अब क्या करेंगे, ए का मान बराबर है तो घटाने पर किसको किस में से घटाएंगे, एक में से दो, समीकरण एक माइनस समीकरण दो घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये घट जाएगा आठ में से दो घट जाएगा माइनस छः डी इक्वल टू आठ चौर चार बारह हो जाएगा। डी बराबर क्या होगा, बारह बटा माइनस छः, छः दुन्नी बारह, डी बराबर माइनस कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा माइनस दो आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अब डी का मान एक में रख दो तो क्या आएगा, ये प्लस इसमें रख देंगे एक वाले में, डी का मान एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए समीकरण एक आपके पास ये है, ए प्लस डी का मान कितना रखेंगे माइनस दो इक्वल टू कितना है फोर, फोर हो जाएगा, ये प्लस दो दुनी चार माइनस चार तो बराबर चार, चार उधर जाएगा तो क्या होगा चार प्लस चार, ए का मान आठ हो गया। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो ए का मान माना है अनवा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, एनवा पद शून्य है, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, तो यहाँ एन वापस शून्य होगा। अब ए का मान हमारे पास क्या आया, आठ आया, तो यहाँ आठ रख देंगे प्लस क्या रख देंगे, ए का मान आठ रखेंगे प्लस एन का मान नहीं पता है माइनस वन और डी का मान माइनस दो है। आप ध्यान से देखेंगे आगे, आप लोग यहाँ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, आठ इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये दो बचेगा एन माइनस वन इंटू माइनस टू बचेगा, ठीक। अब माइनस दो इधर गुणा इधर भाग होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, दो चौक आठ चार एन माइनस वन, अब एक इधर आएगा तो चार एक प्लस पाँच हो जाएगा, चार प्लस एक तो एन बराबर पाँच हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों,